नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में इस तरह तमाम तरह की राजनीति चल रही है, बयानी, संघर्ष की, यात्राओं की और आरक्षण को लेकर। उत्तर प्रदेश में जहां एक तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर कलह मचा हुआ है, हाईकोर्ट के फैसले के बाद यहां पर भी अलग ही बयानबाजी आ रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सरकार ओबीसी की विरोधी है, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी अपने बयानों से चर्चा बने हुए हैं और बयानों की पराकाष्ठा इस तरह है कि आज उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी। हालांकि बाद में सफाई भी नहीं, पर सफाई से होता क्या है। उनका कहना है अगर कोई आदमी तपस्वी की तरह काम कर रहा है तो भगवान के समान ही है, पर उन्होंने पहले क्या कहा वो तो गौरतलब करना ही होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भगवान राम है और भगवान राम की तरह वो तपस्या कर रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भरत हैं जो उनकी खड़ाओं को लेकर चल रहे हैं। अगर राहुल गांधी कहीं नहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर प्रादेशिक कांग्रेस यात्रा चल रही है। इसका अर्थ ये है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है भरत के रूप में खड़ाऊ लेकर चल रहे हैं। यात्रा कन्याकुमारी शुरू हुई और कश्मीर तक जाएगी। 7 सितंबर को शुरू हुई राहुल गांधी की भारत छोड़ो यात्रा 10 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों से होकर गुजरनी है, जिसमें 8 राज्य हो चुके हैं और 9वें राज्य में 3 जनवरी को शुरुआत हो जाएगी। उसके बाद 2 केंद्रशासित प्रदेश और फिर अंतिम चरण रहेगा, वो रहेगा जम्मू और कश्मीर। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी की यात्रा का एक अलग ही लहर देखने को मिल रही है, जो कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि जनाधार मिल रहा है, राहुल गांधी को लोग समर्थन में आ रहे हैं, बड़े बड़े नाम उनके साथ चल रहे हैं। पर ये जनाधार वोट बैंक में तब्दील होगा कि नहीं होगा, ये फिलहाल एक बड़ा प्रश्न है। पर सबसे पहले जिस तरह की बयानबाजी चल रही है कि बयानबाजी के चलते आप किसी भी शख्स की, राजनीतिक शख्स की तुलना यहाँ पर भगवान राम से कर देते हैं। खैर, भारतीय राजनीति की सूचना भी ऐसी हो चुकी है, यहाँ पर रावण, लादेन, सूपनखा और तमाम तरह के यहाँ पर रामायण के चरित्रों के साथ तुलना होती रहती है। वो राजनीति, वो भारतीय राजनीति जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अब इस लोकतंत्र पर इस तरह के ग्रहण लगाना मेरे ख्याल से भारतीय राजनेताओं को शोभा नहीं देता। पर क्या करें, करना तो राजनीति है, रहना चर्चा में है और राहुल गांधी को चर्चा में बनाए रखना है। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बयान सुनते चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं। तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई है तो राम जी भी पहुँच। सलमान खुर्शीद, वो भगवान राम को जानते ही क्या है? सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने ही कांग्रेस को इस रसातल तक भेजा है। अगर सलमान खुर्शीद को राहुल गांधी में ही राम नजर आते हैं, वही राम उनको नजर आते हैं, तो मेरा मानना है कि सलमान खुर्शीद जैसे लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए। एक बार फिर से चोट करने का काम किया है। सलमान खुर्शीद कहते हैं और तुलना करते हैं भगवान श्री राम की राहुल गांधी के साथ। ये वही सलमान खुर्शीद है जो अपने आप की तुलना भरत जी से करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक समय पर श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था और हलफनामा दिया था कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है, राम सेतु को तोड़ने की साजिशें रची थी। महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है और हमारे साथ सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको रूबरू करूं, प्रवक्ता भाजपा के रूप में भारतीय जनता पार्टी की फायरमैन प्रवक्ता कंचन द्विवेदी अपना पक्ष रखेंगी, प्रदीप तिवारी भाई कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखेंगे, पवन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार रूप में अपना पक्ष रखेंगे, विवेक पांडे भाई सपा से अपना पक्ष रखेंगे और सनातन महासभा से विकास मिश्रा जी हमारे जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल तुम्हारा प्रदीप तिवारी जी से रहेगा। प्रदीप भाई, ये क्या बयानबाजी है? पहले बयान दिया, उसके बाद सफाई दे दी कि नहीं वो तो समान बताया मैंने, इस तरह बयानबाजी से होना क्या है? और ये बयानबाजी चर्चा के लिए है या वास्तव में सलमान खुर्शीद को लगने लगा है कि राहुल गांधी राम है? और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप सेतु समुद्रम को आप काल्पनिक बोलते थे, भगवान राम को काल्पनिक बोलते हैं, अब यही लोग चुनाव आते ही राहुल गांधी में राम नजर आने लगे हैं, कैसे देखते पूरे बयानों को? देखिए, सलमान खुर्शीद जी ने राहुल गांधी जी के परिप्रेक्ष्य में जो कहा है जी, भगवान राम जो थे वो भगवान राम हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा
बहुत बार प्रधानमंत्री जी को कभी शिव का अवतार, चाहे वो राजस्थान के उनके विधायक हों, ज्ञानचंद जी, उन्होंने भगवान शिव का अवतार बता दिया था मोदी जी को। अच्छा। या उत्तर प्रदेश सरकार में बेसिक की मंत्री रही इनकी, अच्छा, गुलाब देवी जी ने योगी, अच्छा, जी को भगवान राम का अवतार बता, अच्छा, देते, अच्छा, हैं। तो आप देखेंगे इस तरीके के बयान आते रहते हैं, लोग उनसे प्रभावित होते हैं। सलमान खुर्शीद जी को भी ऐसा इस वजह से लगा क्योंकि राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारत जोड़ने का काम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल करके, तो वो भगवान राम के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जरूर उनकी जो जो भगवान राम ने जिस राज्य की कल्पना की थी, जो संकल्पना की थी कि हाँ इस तरीके का एक राज्य होना चाहिए जिसमें सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें, उसमें कोई भी किसी भी धर्म को मानने वाला हो, तो वही राहुल गांधी जी भी उसी चीज़ को लेकर के निकले हैं। अच्छा। तो ये उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने बताया कि ये राम, जो भगवान राम, जो उनकी संकल्पना थी, जो उनकी एक महत्वाकांक्षा, मतलब एक वो सोच रहे थे कि एक भारत कैसा हो, वैसा ही राहुल गांधी जी की सोच को देख करके उन्होंने इस तरीके की चीज़ें कही हैं। कोई उन्होंने ये नहीं कहा है कि वो राम, अब जाहिर सी बात है कोई राम है तो राम जो थे वो राम ही रहेंगे, उनका कोई भी दूसरा कोई वो राम नहीं हो सकता है। मगर हाँ, जरूर अगर आप उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके बताए मार्ग पर चलते हैं, तो जरूर कहते हैं लोग कि हम उनसे प्रभावित हैं। भगवान राम हो सकते हैं आदर्श, किसी के शिव हो सकते हैं आदर्श, तो वो उनको प्रभावित होकर के लोग उसकी बात कहते हैं। बाकी ऐसा भगवान राम कहना या ये ऐसा कुछ भी उनके द्वारा मेरी समझ से तो नहीं कहा गया होगा। ठीक है, ठीक है। कंचन जी, भाई यहाँ पर जिस तरह बयानबाजी चल रही है, चुनाव है या यात्रा का एक महत्व है या फिर वास्तव में सलमान खुर्शीद को भगवान राम नजर आने लगे हैं, सफाई तो दे दिए हैं, पर कैसे देखते हैं पूरे बयान को आप? जी गौरव जी, देखिए बात यह है ना कि जब आप जहाँ से शुरू कर रहे होते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो शुरू हुए हैं, और एक नेता का धर्म होता है उसके जो काम करने वाले लोग हैं या उसके जो जो सहयोगी नेता हैं, जो उस टीम में है, जो उस पार्टी में है, वो अपने नेता का उत्साहवर्धन करे। लेकिन उत्साहवर्धन का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को उसके जो धर्म है उसके इष्ट से जोड़ दें। बाकी एक बात मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि राहुल जी कहाँ से आते हैं, जो लोग ये कहने वाले हैं कि जो हिंदू है, जो हिंदुज्म है, वो बोको हरम है, वो IAS है या फिर किसी और आतंकियत से जोड़ने वाले लोग हैं, वो कहेंगे हमारे राहुल जी अब हिंदू बन करके, वो भी हिंदू के सबसे बड़े नाम जो कि राम जिसको कहते हैं उससे जोड़ रहे हैं। समझ नहीं आ रहा जी, हिंदू बन के हिंदू नहीं है क्या वो? नहीं नहीं गौरव जी, हिंदू मुझे नहीं लगता कि एक पारसी और एक ईसाई से उत्पन्न एक जो बेटा होता है वो हिंदू है, क्योंकि हिंदू का मतलब हिंदू कहीं से तो आना चाहिए ना। अब पारसी और ईसाई से तो हिंदू नहीं आ सकता ना। अच्छा। तो राहुल जी बिल्कुल भी हिंदू नहीं है। अच्छा। अब आप हिंदू उनको बना रहे हैं, तो पहले तो यही स्पष्ट करना चाहिए कांग्रेस को कि हिंदू किस पॉइंट से बन रहे हैं वो। दूसरी बात कि पहले आप हिंदू को, हिंदुओं को इतना कोसते हैं, इसके बाद मेरा तो फर्स्ट पॉइंट यही है सबसे इंपॉर्टेंट कि जब आप राम को मानते ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने एक बार ये सवाल उठाया कि राम है ही नहीं, उनके अस्तित्व पर भी सवाल उठा दिया। अच्छा। तो फिर आज अपने नेता को राम से कैसे तौल रहे हैं, आज अपने नेता को राम के पद चिन्हों पर कैसे बता रहे हैं? सेकंड पॉइंट ये है कि अगर सलमान जी ने बोला हुआ है तो एक बात मैं कहूंगी कि उनको अगर वो बहुत अच्छी भावना से बोल रहे हैं, अगर वो ईश्वर से जुड़ रहे हैं, अगर वो अच्छी चीजों से कह रहे हैं, तो फिर राम से ही क्यों, अल्लाह से उनको जोड़ना चाहिए। कहीं से तो कुछ तो ऐसा लगना चाहिए कि आप भावनात्मक तौर पर जोड़ रहे हैं। तो ये राजनीति का बिल्कुल भी गौरव जी विषय नहीं है, ये एक राम की मर्यादा का विषय है, हिंदुओं की इष्ट की मर्यादा का विषय है। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही गंभीर है और सोचने लायक। पर हमारे सुनने में तो आया कि कई लोग बताते हैं, राहुल गांधी बताते हैं कि हम कॉल ब्राह्मण दत्ताते हैं, इससे चर्चा चलती रहती है। ब्राह्मण बताते हैं अपने आप को? ये तो देखिए पूरा भारत जानता है, दुनिया जानती है कि वो क्या है और कहां से आए। मैं बहुत स्पष्ट नहीं करूंगी, स्पष्टीकरण देने का कोई मतलब नहीं है कि वो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हिंदू हैं। और हिंदू अगर नहीं है तो फिर हिंदू क्यों बताना, और अगर आप हिंदू हैं तो फर्स्ट पॉइंट जिससे आप जोड़ रहे हैं खुद को उसका पहले आप अपमान करते हैं, इसके बाद आप राम बताते हैं। तो मुझे ये सारी बातें कुछ बोल रहे थे कि आप लोग भी तो बोलते हैं, सूप नखा बोलते हैं, रावण बोलते हैं, कोई उनको
मोदी जी को कोई अवतार बताता है तो हमने बता दिया, क्या बुराई कर दी। मोदी जी हिंदू है ना। हाँ। मोदी जी अगर कहीं तुम्हारे हिंदू की है, यहाँ बिल्कुल बात है, हिंदुओं की मर्यादा की है, हिंदुओं के सम्मान की है, हिंदुओं के इष्ट के सम्मान की है, तो जब आप हैं ही नहीं जो चीज, वो आपको नहीं बोलना चाहिए। और फिर आपने ऐसे काम नहीं किए ना, आप भ्रष्टाचार से उजागर हैं। जो नेता जो व्यक्ति जिन्हें राहुल जी कहते हैं, वो जितनी उनकी उम्र है, मुझे लगता है शायद 50 में से एक कम वो हारे हुए व्यक्ति हैं। तो कोई मतलब नहीं है उनका। और इस तरीके से राम कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति हर समय हार रहा हो, जो व्यक्ति 111 दिन की यात्रा हो गई उनकी। ठीक है, यात्रा करने से चीजें पूरी नहीं होती, यात्रा करिए आप, लेकिन महत्व उसका होता है जब आपको मंजिल मिल जाए। अच्छा। महत्व उनका ही होता है जो मंजिल पा लेते हैं। यात्रा अच्छा। तो बहुत लोग करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। विवेक भाई यात्रा हो रही है और 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में भी शुरुआत हो जाएगी। सलमान खुर्शीद का बयान आपने सुना, किस तरह बयान दिया, और भाजपा का पलटवार भी आया, कैसे देखते हैं बयानों को, क्या तुलना सही है या केवल एक चुनावी प्रोपेगंडा है? देखिए गौरव भाई, पहले तो मैं ऊपर से सभी पैनलिस्टों को मैं प्रणाम करता हूं और अनुमोदन के साथ अपनी बात को रखने की अनुमति चाहूंगा। जी देखिए, राजनीतिक परिपेक्ष में, राजनीतिक गलियारों में जिस तरीके से बयानबाजियों का दौर जारी है जी, और जिस तरीके से सनातन की बात होती है, धर्म की बात होती है जी, भाई धर्म पे तो और सनातन पे तो प्रहार उस दिन भी हुआ जब राजनीतिक कोर्ट के ध्रुवीकरण के लिए वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म धारण किया। अच्छा। तो हिंदू तो वो भी नहीं माने जाएंगे, और फिर हिंदू धर्म का अपमान भी कर दिया उन्होंने। अच्छा। हिंदू धर्म के लिए उन्होंने क्या क्या शब्द, क्या क्या वक्तव्य दिए, उस समय संज्ञान तो मुझे लगता है तब सनातन की बात करना उचित था। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल हिंदू है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारे जो सनातन परंपरा में किसी जीवित व्यक्ति का मंदिर बना करके उसको पूजने का परंपरा, मतलब मैंने अभी तक तो नहीं सुनी पहली बार। कौशाम्बी जिले में आपको पता होगा नमो मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे की शिवालय में, शिवालय के बगल में ही उनकी मूर्ति स्थापित है। तो वो भी अगर देखा जाए तो सनातन के धर्म नियमों के, शास्त्र पुराणों के, तो उनका मंदिर बनाया, उनका मंदिर बात तुलना तो नहीं की ना, मंदिर तो बनाया है, बना लेंगे जी, क्या दिक्कत है? तुलना करने की बात आप कर रहे हैं, उनको विश्वकर्मा बता दिया गया, उनको शिव का अवतार बता दिया, उनको कल्कि अवतार बता दिया गया, उनको भगवान बता दिया गया, बहुत कुछ बता दिया गया। अच्छा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या समझिए, बात जब सनातन की होगी, बात जब धर्म की होगी, तो बिल्कुल मैं एक सवाल उठाऊंगा जी, इस देश के हिंदुओं के सबसे प्रथम अग्रज आदि देव जगत गुरु स्वर्गीय स्वरूपानंद, वैकुंठवासी स्वरूपानंद सरस्वती जी का जिस दिन देहावसान हुआ, अच्छा, उसके पहले ब्रिटेन की महारानी के देहावसान पे राष्ट्रीय शोक मनाया गया, जापान के प्रधानमंत्री के उस पे राष्ट्रीय शोक मनाया गया, खाड़ी देश के एक कोई बड़े जिनकी मृत्यु हुई थी उनके ऊपर राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई थी पूर्ववर्ती में। लेकिन इस देश के आंदोलन में जेल जाने वाले, इस देश में राम मंदिर आंदोलन को खड़ा करने वाले, इस देश में दो प्रमुख मठ पीठों के आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य, जो हिंदुओं के सनातन संस्कृति के रक्षक, प्रचारक और सबसे बड़ी बात है संरक्षक माने गए आदिदेव जगत गुरु शंकराचार्य आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के निधन पे ना कोई राष्ट्रीय शोक आया और ना कोई राष्ट्रीय शोक मनाने की घोषणा की गई, और ना ही उस परिपेक्ष में कोई संवेदना व्यक्त करते हुए कोई बयान भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा। आपने लिया था क्या? तो मुझे लगता है, मैं आपके मुद्दे पे आ रहा हूँ जी, मुझे लगता है बात, पहली बात तो सनातन में कर, सनातन की और धर्म की किसी की जागीर नहीं है, ये तो भाई ये तो सीधी बात है, जो बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुझे समझ में तब नहीं आता, सुन लीजिए, मुझे समझ में तब नहीं आ जाता जब वोट की राजनीति को करने के लिए जब भाजपा में ऐसे लोगों को हिंदू बनाया जाता है, क्योंकि अभी आदरणीय कंचन जी ने खुद ही अपने शब्दों में कहा जो हिंदू नहीं है वो तो नहीं है, तो वसीम रिजवी जी को हिंदू कैसे मान सकते हैं भाई? अच्छा। हम भी नहीं मानते। और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए ना, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ केवल जी, बोले बोले बोले, वसीम रिजवी ने धर्म स्वीकार कर लिया है, हिंदू धर्म को क्या जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये उनकी पार्टी का विषय है। अच्छा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो इसका जवाब बेहतर दे पाएंगे। और भाजपा अगर कोई उस पे प्रहार कर रही है, भाजपा कोई सवाल उठा रही है, तो बिल्कुल ये जिम्मेदारी है कांग्रेस की, नैतिक जिम्मेदारी है कांग्रेस के प्रवक्ता उसका जवाब दे। ठीक है विवेक भाई, सवाल रहेगा, आपने कहा कि स्वरूपानंद सरस्वती का जो निधन हुआ था उस पर कोई राष्ट्रीय शोक नहीं मना घोषित किया गया, आपने इसके लिए मांग की थी क्या? अगर बीजेपी ने गलती की, मैं आपको अपने ट्विटर स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ, मैंने बाकायदा इस पे आवाज उठाई थी, मैंने इस पे बाकायदा वीडियो बनाया है। पार्टी उठाई थी आपके? नहीं बिल्कुल, मैंने ये बात उठाई थी आपके डिबेट में, मैं कई बार ये बात उठा चुका हूँ आपकी पार्टी ने, आपके डिबेट में सपा ने बार उठाई थी जी। क्या समाजवादी पार्टी कृषि प्रवक्ता ने, समाजवादी पार्टी किसी नेता ने, या स्वयं
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसकी मांग रखी थी क्या? मैं तो नहीं जानना चाहता। भाई देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी पे आप सवाल जिस तरह उठा रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कंचन जी इस समय भाजपा की प्रवक्ता है, और प्रवक्ता अगर कुछ भी कह रहा है तो पार्टी लाइन से हटकर तो कहेगा नहीं। अच्छा अच्छा, अगर मैं ये मांग उठा रहा हूँ तो समाजवादी पार्टी कह रही है, आपने मुझे समाजवादी पार्टी का पैनलिस्ट बना करके बिठाया हुआ है यहाँ से, समय मेरी पूरी जिम्मेदारी है नैतिकता से समाजवादी पार्टी की विचारधारा को मैं प्रेषित करूँ। ठीक है ठीक, बात आ गई आपकी, बात आ गई। विकास भाई, भाई सनातन महासभा से हैं आप, जिस तरह से यहाँ सलमान खुर्शीद ने बयान दिया है, कैसे देखते हैं इस बयान को भाई? जी हाँ गौरव जी, जी जहाँ तक राम जी से तुलना करने की बात है जी, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी जो ये यात्रा कर रहे हैं जी, भारत जोड़ो यात्रा, तो अभी तक मैं भाई इनका बड़ा प्रशंसक इसलिए रहा हूँ क्योंकि ठीक है भले सत्ता में ना आ पाए जो भी हो, लेकिन एक अच्छा विपक्ष दे पाएंगे अगर वो भारत को हर एक कोने कोने में भारत के लोगों को समझ पाएंगे। अच्छा, यात्रा अच्छी थी जी, लेकिन जो कार्य इनके प्रवक्ता या इनके जो और मंत्री कर रहे हैं वो बहुत गलत है। अच्छा, अब देखिए अगर आपको उदाहरण देना था तो कांग्रेस को गांधी जी का उदाहरण देना चाहिए था, दांडी यात्रा करी, भारत जोड़ने के लिए कितनी यात्राएं करी, कितना भारत जोड़ने का प्रयास किया और भारत को आजाद करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, बहुत सबसे बड़ा योगदान हमने कही है, हम लोग इसी लोग तो बापू कहते हैं जी। गांधी जी का उदाहरण देना चाहिए था जी, श्री राम जी का उदाहरण देना ये बिल्कुल अनुचित है, जैसा कि अभी प्रवक्ता कांग्रेस कह रहे थे प्रदीप जी कि उनके पद चिन्हों पे चल रहा है, जिस तरीके से राम जी ने भारत जोड़ने का प्रयास किया उस तरीके से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदीप जी आप ब्राह्मण भी है, सनातनी है, तो आपको पता होना चाहिए था कि राम जी का इंटेंशन क्या था, मोटो क्या था जो वहां गए थे। रामचंद्र जी जब वनवास गए तब युवराज राम कहलाते थे, और जब वनवास से आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, बहुत बड़ा अंतर होता है। क्यों? क्योंकि वो किसी सत्ता को पाने के लिए वो यात्रा नहीं कर रहे थे, किसी सत्ता को पाने के लिए भारत जोड़ने का प्रयास नहीं कर रहे थे जी, वो एक मानदंड रखना चाहते थे, एक आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहते थे कि एक राजा को कैसा होना चाहिए जी? एक राजा को अपने राज के अंतिम छोर में बैठी हुई एक भील स्त्री से ही डायरेक्ट संवाद करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, उसके दुखों को भी दूर करना आना चाहिए, ये प्रयोजन था। और राहुल गांधी का प्रयोजन सीधे सत्ता पर रहा है प्रदीप जी, ये आप लोग भी कई बार कह चुके हैं भारत जोड़ो यात्रा के। अच्छा, सनातन पे सीधा आक्षेप आप लोग इसलिए कर पाते हैं, सनातन बड़ा शालीन है। अच्छा, उसके लिए कुछ भी कह दो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम से तुलना कर रहे हैं, खुर्शीद जी आपको भरत कह रहे हैं, अरे भरत जी ने कितना बड़ा त्याग किया था आपको मालूम? भरत जी को तो जब रामचंद्र जी को वनवास मिला भरत जी को तो सत्ता मिल गई थी, उनको आराम से सत्ता पा लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कितना त्याग किया, उन्होंने रामचंद्र जी के पक्षों को रख करके राज्य चलाया और उन्हीं को राजा माना। उसी तरह से रामचंद्र जी जिन्होंने हमेशा यही प्रयास किया कि भरत किसी तरह के समान जाए और राज्य चलाए, राज संभाले, भाइयों में राज के विरोध नहीं दिखा, वो त्याग की पराकाष्ठा थी। और आप सत्ता के लोलूप में ये इस तरीके के यात्रा कर रहे हैं और उसको आप श्रीरामचंद्र जी से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ा विपक्ष है। और हम ब्रह्मास्मि, अगर आपके अंदर ये विचार आ गया, जिस दिन भी आपके अंदर ये विचार आया हम ब्रह्मास्मि आपका निश्चित पतन हो जाएगा। सनातन के ऊपर इस तरीके का कुठाराघात करने का प्रयास बिल्कुल बंद कर दे, क्योंकि जनता आपको देख रही है और समझ रही है आप क्या कर रहे हैं। इलेक्शन का समय आता है, कंठी माला टीका सब कुछ आप करते हैं, रामचंद्र जी का अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस थी, तो इस तरीके के प्रयास करने के बाद आप और राम सेतु को आप आज भी मानने तैयार नहीं होते कि राम सेतु कुछ है, तो आप रामचंद्र जी को तुलना कैसे कर सकते थे? गांधी जी से कर देते, गांधी जी तो आपके भी इष्ट है, जैसे हमारे भाई बापू मानते हैं, हम लोग उनको पूरा भारत मानते हैं और उनसे अच्छी भारत जोड़ो यात्रा तो हमारे ख्याल से इसलिए नहीं करी होगी, तो आप लोग उनका उदाहरण देना चाहिए था। आप अपने को भरत कह रहे हैं, उनको राम कह रहे हैं, कल को आप किसी को कुशवा बता देंगे, लक्ष्मणा बता देंगे, तो क्या पूरा राम परिवार आप ही के पास जी? अरे कभी मोदी जी का भी विरोध किया था क्या आपने? सलमान खुर्शीद जी को, मोदी जी को बताया होता आपने ये चीजें? मोदी जी को नहीं बताई होगी? राहुल गांधी जी को अपने ऐसे नेताओं के ऊपर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनके भारत जोड़ो यात्रा को अगर कोई विफल करेगा तो इस तरीके के विचार ही करेंगे जो आम है। ठीक है बेटा, ठीक है, पूरा परिपेक्ष तो समझ लेते क्या था, किस वक्तव्य में वो बयान दिया गया था। ठीक है, मैं बता दूं, तो मौका दीजिएगा तो मैं पहले क्लियर कर दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। तुलना इसलिए आपने कर दी, अरे भाई रामचंद्र जी ने भारत जो
जोड़ने का प्रयास किया था। अरे आपको समझना चाहिए किस पर, अरे उत्तर प्रदेश को लेकर के सवाल था पत्रकार का कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी अभी नहीं आए, आप लोग यात्रा क्यों कर रहे हैं, तो बताया गया कि हम लोग कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति हो उसको हम राम कह देंगे है ना, और किसी को भारत कह देंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात है। अरे राजनीति आप लोग लेकर के आते हैं, आप राजनीति लेकर के आते हैं भाई, राजनीति करना आप लोगों का काम है कि हर चीज में राजनीति ढूंढ लेते हैं, राजनीति करना आप लोगों का काम है कि हर चीज में राजनीति, ऐसी राजनीति आपने करी थी? इस तरीके का संदेश अगर आप मोदी जी को देते, जब उत्तर प्रदेश की एक मंत्री कह देती है योगी आदित्यनाथ को भगवान राम का अवतार बता देती है, तब आपने दिया था? राजस्थान के विधायक का अवतार बता देते, भगवान शिव का अवतार बताते हैं मोदी जी को, तब आपने इसी तरीके का पक्ष रखा था? भगवान शिव का अवतार मानते हैं क्या? अरे तो कहाँ चला गया था आपके भाई ये सनातन महासभा, उतरे होते सड़कों पे कैसे विरोध कर, आपने विरोध के नाम पे क्या कहा भाई, कुछ समझ में नहीं आया ना, कहीं दिखा कि सनातन महासभा ने कोई विरोध किया हो? तब भी मेरा मतलब यही होता जी, क्योंकि सनातन कोई इस तरीके के खेलने की चीज नहीं, कभी भी कहेंगे कि आप श्रीराम जी किसी को बता दे, किसी को हनुमान बता दिए, क्या मतलब बना रहे? श्रीराम नहीं बताया गया पहले, सुनिए तो आपने, आप धर्म को आप इसलिए बीच में क्यों ला रहे हैं, आप सनातन का सम्मान नहीं करते? ठीक 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 हो गया। पवन जी अपनी बात पर रखिए, कंचन जी की बात लेते हो। पवन जी क्या बोल रहे हैं? कॉपीराइट हो गया है गौरव जी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का जिस सब्जेक्ट पे चर्चा हो रही है जी, और अभी हम सुन पा रहे थे जी, कॉपीराइट तो प्रभु श्री राम पे किसी का नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, और अगर उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, फिर वो चाहे राहुल गांधी जी हो, ममता बनर्जी जी हो, अखिलेश यादव जी हैं, तो इसमें भाजपा को क्या दिक्कत है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दो सब्जेक्ट को एक मत मिलाइए, ये नहीं होना चाहिए राजनीति में। अच्छा। रही बात, अभी हम सुन रहे थे भाजपा प्रवक्ता को सुन रहे थे जी, जिन जो राहुल गांधी जी को हिंदुत्व नहीं मान रही है, ठीक है, ये उन्हीं के बेटे हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के लिए मंदिर में पहला दरवाजा खुलवाया था। अच्छा, अयोध्या नगरी में जी, इसको नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात यह है, हम कोई कांग्रेस के पक्ष में की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई अगर आप किसी को दबाने की कोशिश करेंगे तो ये गलत है। अच्छा, कोई कॉपीराइट नहीं है कि भाजपा का कॉपीराइट हो गया प्रभु श्री राम के ऊपर? अच्छा, नहीं हुआ है। राहुल गांधी क्या मुस्लिम हो गए, ईसाई हो गए? वो भी हिंदू हैं, उनके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए, किसी को भी नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, और समय रहते अहंकार नहीं पालना चाहिए, अगर अहंकार आ गया तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, राजनीति का कोई भी चढ़ाव होता है, 60 साल 50 साल कांग्रेस भी राज करके आई है जी, बहुत किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। आज शिक्षा क्षेत्र में देख लीजिए आप, IIM है कोई टक्कर का कोई आपके भारत में? एक नाम बता दीजिए तो बताइएगा, जहां बच्चे पढ़ने के लिए हम लोग, हम अपने बच्चों को किसी, सभी लोग लगे रहते हैं जी, कहीं एक बहुत बताइएगा, आप सभी लोग बैठे हुए हैं, ये गलत बात है। राहुल मेहनत कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट करना होगा, पैदल मार्च कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट करना होगा, क्यों कर रहे हैं, किसके वजह से कर रहे हैं, ये कारण आप लोग खोजिए। राजनीतिक लोग हैं, वो अगर व्यक्ति सुधर रहा है, लेकिन इन्हीं सबके बीच में एक वीडियो आई है, वो देखा है हमने, वो वीडियो कैसे है क्या है कुछ कहना उचित नहीं है जी, लेकिन अगर यात्रा के बीच में इस तरह का वीडियो आता है जी, वो मोबाइल में फोटो खींच रहे थे, झटक दिया, सब लड़खड़ा रहे जितने उनके आस साथ में है, ये नहीं होना चाहिए। देखा, और इसके बाद में जी, हम सभी को, संपूर्ण भारतवासियों को, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पे चलने का अधिकार है। प्रभु श्री राम के पद चिन्हों पे चलने अगर कोई 0.0% भी चल गया तो समझ लीजिए वो इंसान बन गया, जीवन सार्थक। आज जो चल रहा है इससे दूर हट जाएंगे। ठीक गौरव जी, इस पे सबको ध्यान देना चाहिए। फिर चाहे विकास मिश्रा जी हैं, विरोध नहीं करना चाहिए जी। आप धर्म की बात चल रहे हैं, सनातन धर्म चला रहे हैं आप, नहीं आप बोलिएगा सनातन धर्म चला रहे हैं, आप कैसे किसी का विरोध कर सकते हैं? राजनीतिक विरोध नहीं होना चाहिए, राजनीतिक विरोध अलग पार्टियां करेंगी। ठीक 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 कंचन जी क्या कहना चाहेंगे? गौरव जी, फर्स्ट पॉइंट तो ये है ना कि ये राजनीतिक
मुद्दा है ही नहीं यहाँ पे, राजनीति कहाँ हो रही है आप बताइए ना। राजनीति से राम को लेना ही नहीं चाहिए, बाकी राहुल गांधी जी को राम से जोड़ना मुझे लगता है कि पहले राम को समझ लेना चाहिए या राहुल गांधी जी को समझ लेना चाहिए, राहुल गांधी क्या है और राम क्या है। तो मुझे लगता है जो ये कहने वाले लोग हैं कि राहुल गांधी राम जैसे है, तो उन्होंने राम को पढ़ा ही नहीं। राम क्या है, रामचरितमानस में लिखा है लोकाभिरामम रणंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणा करंतम श्री रामचंद्र। अरे राम उनको देखो ना, जो लोक लोक को देखने वाले हैं, जो सभी को अपने सहारे रखने वाले हैं, जो धीर गंभीर हैं, उन राम की तुलना में राहुल जी कहां आ रहे हैं, कहां समाहित हो रहे हैं। जब मैंने एक वीडियो देखा, एक वीडियो में राहुल जी कैमरे वालों को फोकस किस तरीके से वो वहां पे चिड़चिड़ा जाते हैं, राम को कभी क्या किसी ने बेवजह चिड़चिड़ाते हुए देखा है क्या, राम को कभी किसी ने इस तरीके का देखा है कि वो अपने स्वार्थ के लिए निकला हुआ हो, क्या राम को कभी किसी ने ये देखा है कि वो दूसरों के लिए कभी ऐसे कोई काम कर रहा हो कि उसको तकलीफ हो जाए लेकिन हमारा काम बनना चाहिए। अच्छा। वो कभी अपने बड़ों का अपमान नहीं करते। मैं इस यात्रा में एक इल्जाम और लगाऊंगी कि राहुल जी ने अपने साथ में अपनी दादी जी का सम्मान किया लेकिन उनके ही समकक्ष नेताओं का अपमान करते हुए चले आ रहे हैं, तो कैसे आप राम हो सकते हैं? मैं नहीं मानती कि वो राम हो सकते हैं। ठीक है जी, फिर कुछ बोलना चाह रहे थे आप, बहुत देर से आप बोले प्रदीप भाई। देखिए अभी पवन भैया कह रहे थे, पवन भैया ने कहा कि बड़ा चिंता है कि वरिष्ठ नेताओं का राहुल गांधी जी ने अपमान कर दिया। भाई चिंता करिए, आपके यहाँ कितने वरिष्ठ नेताओं का अपमान हो गया, लाल कृष्ण आडवाणी जी अपमान हो गया, मुरली मनोहर जोशी है, जसवंत सिन्हा, कितने लोगों का अपमान हो गया। आपको चिंता होनी चाहिए उनकी, कैसे मार्गदर्शक मंडल में दान करके उनका अपमान किया जाता है। ये मोदी जी से सीखने की जरूरत नहीं है किसी को, ये मोदी जी से सीखने की जरूरत नहीं है कि राजनीति में कैसे किसी का अपमान किया जाता है। इसके साक्षात उदाहरण आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं हो सकता। राजनीति में वरिष्ठ नेताओं का अगर अपमान करने के मामले में किसी का नाम लिया जाएगा तो मोदी जी उसमें सर्वश्रेष्ठ नजर आएंगे। अच्छा। तो इस बात में कहना कि देखिए आप मुझे साफ कर दीजिए ना इस बात पे कि कैसे उन्होंने एक बड़े नेता का अपमान कर दिया। आपको याद आ रहा होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, और अपने दादी जी का सम्मान करते हुए मुझे याद आ रहा कि कैसे आडवाणी जी को मंच पे खड़े होते हैं, किनारे कर देते हैं, साइड लाइन, मुझे सब कुछ याद आ रहा है। आडवाणी जी खड़े पे खड़े रह जाते हैं, मुझे याद आ रहा है कैसे कैसे जसवंत सिन्हा जैसे लोग पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, किस तरीके से अपमानित कर दिया जाता है। आप राम को बता रहे हैं, आप राहुल को राम बता रहे हैं ना, मुझे याद आता है कि कैसे अपमान किया जाता है, ये बताइए। नहीं, राहुल कैसे राम की बता रहा हूँ, जैसे अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे, देखिए राम राम एक थे, राम कोई नहीं हो सकता, मगर उनके पद चिन्हों पे चलना, तो पहले भी बोला कहा कि पद चिन्हों पर चलना बताते हैं। देखिए वो आप चलने वाले भी नहीं है, आपके लिए तो महामानव ही सिर्फ राम है, शिव है और कोई नहीं है। आप महामानव बिल्कुल राम है, शिव है, आप उन्हीं को मानेंगे, आपके अलावा आपके पास नहीं हो सकता, आपके अलावा अवतार कोई और है नहीं, राम का अवतार कोई है नहीं, आप उन्हीं को मानेंगे। आपका बस चले हर प्रदेश और जिले में मोदी जी का मंदिर बना दे, किनारे छोड़िए बता रहा हूँ को। अरे भाई आप बताइए ना, राहुल जी बताइए ना, तो राहुल जी की पहले बताइए ना, बीजेपी के विधायक राजस्थान के, उन्होंने मोदी जी को शिव का अवतार बताया, उसमें क्या कहना चाह रहे हैं आप बता दीजिए। उत्तर प्रदेश की मंत्री महोदया ने योगी आदित्यनाथ को राम का अवतार बता दिया, टॉपिक ही नहीं है। अरे भाई टॉपिक यही तो है, यही तो टॉपिक है, क्या मोदी राम का अवतार हो गए या योगी शिव का अवतार हो गए, यही तो बताइए ना। गुड़ और दोष मिलाई, अरे बता दीजिए कौन सा राहुल जी का, अरे बताइए आप जब मोदी जी को राम का अवतार बता देते हैं तो कौन सा गुण उनके अंदर राम का आ गया, बता दीजिए ना, कैसे बता दीजिए। दस गुण, कोई एक गुण नहीं है, एक गुण नहीं बता सकते, जो देश में और प्रदेश में आग लगाने का काम करे उसके अंदर राम का गुण कहां से हो सकता है, जो देश को तोड़ने का काम करे उसके अंदर राम का गुण कहां से आ सकता है, जो सिर्फ एक वर्ग को तक पहुंचाने का काम करे उसके अंदर राम का गुण कहां से आ सकता है। उन्होंने सिर्फ एक वर्ग के लिए काम किया है, देश के राजा का काम क्या होता है, राम को सीखने की जरूरत है। अभी आप बता
आ रही थी ना, राम से सीखने की जरूरत अगर इस देश में है तो देश का बता दीजिए, मैंने आपको एक से दो देश का राजपाट कौन चला रहा है, इस देश का राजपाट कौन चला रहा है, इस देश का राजपाट कौन चला रहा है, इस देश का राजपाट चला रहे मोदी राम का कौन सा गुना गया भाई, कौन सा राम का गुना गया, कौन सा राम का गुना बताइए ना, मोदी जी के अंदर है कोई राम का गुण? अरे यही सबसे बड़ा गुण मैं बता रहा हूँ ना, उनको राम का अवतार आपके विधायक आपके मंत्री बता रहे हैं, सुनिए ना, मैं बता रही हूँ फिर आप बता दीजिए, हाँ, कि राहुल जी जिस प्रकार से काम कर रहे हैं एक से दो गुण आप मुझे बता दीजिए, हाँ, बाकी मोदी जी के सबसे पहला गुण हम आपको यही बता देते हैं कि वो जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए कार्य करते हैं, कुछ मित्रों के लिए जीते हैं आप भूल जाती हैं, आपको याद दिलाना पड़ेगा कुछ मित्रों के तथाकथित जो मित्र हैं उनके लिए जीते हैं, वो हवाई चप्पल वाला आज तक हेलीकॉप्टर में नहीं बैठ पाया, वो अपने तथाकथित हवाई चप्पल वाला जिसको मोदी जी प्लेन की सैर कराने वाले थे अपने लिए 18,000 वो राम बनेंगे, उनके अंदर राम का एक गुण नहीं आ सकता, आपने किसी एक विशेष राम ने किसी विशेष एक वर्ग के लिए काम नहीं किया, राम ने सबके लिए काम किया और हमारे देश के जो राम बनना चाह रहे हैं, कितना भी कह लीजिए दूसरी चीज आप अभी कह रही थी राम के ऊपर राजनीति अभी कह रहे थे राहुल से की, तो आप राहुल जी के गुण बता दीजिए ना, कौन से राम से मिलते हैं, छोड़ दीजिए ना बता रहे ना कि राजा को कैसा होना चाहिए, तो राजा को बताइए ना, राहुल जी पर बात करें, आप और हम राहुल जी पर बात करें क्योंकि राहुल जी को राम से तौला गया है, तो राम बता दीजिए ना जो देश का राजा है उसके बारे में बता दीजिए ना, आप बोली आपके पास टॉपिक नहीं है तो आप मोदी जी पर चले जाते हैं, अरे भाई हर बार मोदी जी पर तो आप जाती है ना, मोदी जी को लेकर के तो हर बीच में आप आती है, नीचे से लेकर के छोटे से बड़ा चुनाव हो तो मोदी जी को लेकर के आप आ जाएंगी, अरे भाई गुण मैं बता रहा हूँ ना, जैसे राम जी ने सबको जोड़ने का काम किया था, आदरणीय राहुल गांधी जी सड़कों पे उतर करके इस देश की जनता को जोड़ने का काम कर रहे हैं, जब इस देश में इस प्रदेश में 80-20 की बात होती है तो देश और प्रदेश को तोड़ने का काम होता है, वहाँ पे राहुल गांधी जी प्रदेश में देश को जनता को जोड़ने का काम करते हैं, इस देश में बेरोजगार परेशान है, इस देश का राजा लाठीचार्ज करवा देता है, अगर देश का बेरोजगार तो खुद को बताइए ना, देश का बेरोजगार परेशान है, वो राम राज्य कैसा जिस देश में बेरोजगारों के ऊपर लाठीचार्ज हो, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, नहीं बता पा रहे भाई बताइए, आप बताइए ना, मैंने तो बताया ना, जिस देश में जिस प्रदेश में गुजरात के चुनाव का हाल ही उदाहरण दे रहा हूँ मैं, आप वहाँ पे जाकर के दंगों की बात करते हैं, बताइए क्या राम की बात करी, आप बताइए, हम तो देश को जोड़ने का काम करते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, ये भाजपा जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी की आदत है, वो झूठ को परोसना और झूठ को इतना बोलना जब तक लोग सच ना मानने लगे, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है, ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि झूठ परोसना और झूठ को लगातार परोसना जब तक जनता उसको सच ना मान ले, ठीक है विकास जी अभी कह रहे थे कि राम को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, अरे भाई आपको ऑब्जेक्शन उस समय होना चाहिए, इस देश की एक पार्टी जो तथाकथित अपने आप को बताती है कि हमारा कॉपीराइट है, तथाकथित बताते हैं ना कि हमारा कॉपीराइट है, मैं उसमें बोल रहा हूँ कॉपीराइट है वो अपना लगातार भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम का सहारा लेकर के प्रदेश में और इस देश में राजनीति करते हैं, अरे तो मैं बता रहा हूँ ना कि इस देश में, अरे पूजा तो बहुत पहले से होती चली आई, आप क्या पूजा सिखाएंगे, अरे अभी पत्रकार महोदय ने बताया ना, इस देश में अगर राम के मंदिर के ताला खुलवाने का काम किया तो आदरणीय राजीव गांधी जी ने किया, आप भूल जाती हैं, मगर हम इस देश में हिंदू नहीं बन, हमको हिंदू बन के नहीं रहना, हम इस देश में सभी धर्मों की बात करते हैं, प्रदीप भाई को समस्या यहाँ पर है ना कि आप ही प्रदीप भाई हम 80-20 की बात करते हैं, हम 80-20 की बात नहीं करते हैं, इस देश में हम सभी लोगों की बात करते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बात करते हैं, समस्या है ना कि यहाँ पर कांग्रेस के नेता ही राम सेतु कार्पण बता देते थे, नहीं भगवान राम को कार्पण बता देते थे, वो तो अगर प्रश्न उठाएंगे तुलना करेंगे तो तब काल्पनिक बोलते थे, अरे मैं उदाहरण दे देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में एक केस पेंडिंग है पुरातात्विक राम सेतु को जो लेकर के कि वो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आएगा, उसको संरक्षण किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी से उस पे सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग रहा है, लगातार इन्होंने एक शॉर्ट एफिडेविट दाखिल कर दिया उस पे, उसके बाद इनसे कहा जा रहा है कि ब्रीफ में एफिडेविट दाखिल करिए, लगातार कहा जा रहा मगर
अभी तक इन्होंने ब्रीफ में उस पर एफिडेविट नहीं दाखिल किया। हाँ। अगर एफिडेविट दाखिल हो जाए तो उस पर जजमेंट आ जाए। सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय मांग कर रही है ये उसका। ऐसे तो सर्वोच्च न्यायालय का बहुत पालन होता है, इस देश की सर्वोच्च न्यायालय मांग कर रही है। अरे इस देश की सर्वोच्च न्यायालय मांग कर रही है, इस पे जवाब नहीं देना चाहिए। अगर कोई बात कोर्ट के अंदर की है तो वो कोर्ट में जवाब देना चाहिए उनको। अरे प्रदीप भाई, आपके राम नहीं है क्या? आप नहीं, राम सबके हैं। देखिए उस पे किसी एक का कॉपीराइट नहीं हो सकता, चिल्लाने से आपका कॉपीराइट नहीं होगा। राम सबके हैं, राम इस देश में रहने वाले के सबके हैं। इस देश में सभी लोग जो जिस धर्म को मानना चाहे, हम वही बात तो कह रहे हैं राहुल गांधी जी, वही बात तो सड़कों पे निकल के कह रहे हैं। अच्छा। आप इस देश में 80-20 क्यों करना चाहते हैं? अच्छा। हम यही कह रहे हैं कि इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं। हम यही कहते हैं इस देश में सभी को रहना चाहिए, सभी को रहने का अधिकार है। बड़ी अच्छी बात। हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो तुम आओ, तो जो भी हो आओ, तो अपने सारे गिलों को भुला कर गले से लगाओ, तो तेरे भी है मेरे राम। हाँ, तेरे भी हैं। हाँ, मेरे राम। एक बार गाओ तो सब मिलकर के जय श्री राम जय श्री राम। लेकिन अच्छा, नहीं किसी अच्छा, को नहीं करना उस पर राजनीति। अरे भाई जिसको मानना है फिर आप वही चीज कह रही हैं। हाँ, कोई राम को मानेगा? आप क्या कहते हैं? अगर कृष्ण को इस देश में कोई मानता है तो आप उसको हिंदू नहीं मानेंगे? आप तो अगर शिव, अगर कोई शिव को मानता है अगर तो आप उसको हिंदू नहीं मानेंगे? आपका तो ये कॉपी राइट हो गया है ना, आपका एक कॉपी राइट है। अगर आप, अरे आप बता रहे ना, इस देश में, इस देश में अगर कोई अल्लाह को मानेगा तो आप नहीं रहने देंगे उसको? अगर कोई यहाँ पे गुरु नानक देव को मानेगा तो उसको नहीं रहने देंगे आप? आप कह तो रहे हैं कि नहीं राम को ही मानना पड़ेगा। अरे भाई मैं राम को मानता हूँ, मेरी पत्नी राम को मानती है, मेरी पत्नी, मेरी माता जी शंकर को मानती है। आप, अरे मैं बता रहा हूँ, एक परिवार में 5 लोग होते हैं, वो किसी को आराध्य मानता है, कोई किसी को आराध्य मानता है। आप तो परिवार में ही विघटन करवा देंगी, एक परिवार में ही विघटन करवा देंगी आप तो। आप कह रहे कि नहीं राम को ही मानना पड़ेगा? अरे भाई सबके आराध्य है, आस्था है वो उसको मानता है। आप सिख भाइयों को जाएंगे नहीं, आपको मानना पड़ेगा। ये कौन सा, ये इस देश में नहीं चलने वाला। मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी को, इस देश में ये नहीं चलेगा। आप कहेंगे कि आप गुरु नानक देव को नहीं मानेंगी, किसी से कह देंगे आप अल्लाह को नहीं मानेंगी। अरे भाई प्रदीप भाई, हो तो यहाँ पे तो अल्लाह को मानने वाले भी रहेंगे, गुरु नानक देव को भी मानने वाले रहेंगे, राम को मानने वाले भी रहेंगे, ईसाई भी रहेंगे, सभी रहेंगे। छोड़ देते ना, राम इतना सॉफ्ट कॉर्नर है कि कोई भी कुछ जाएगा। कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं, आपको दिक्कत क्या है? आपको क्या दिक्कत है? आपको दिक्कत उस समय हुई, आपको उस समय दिक्कत हुई जब राजस्थान के बीजेपी के विधायक ने मोदी जी की तुलना कर दी आपके। आप बताइए ना, आपको दिक्कत हुई? ठीक है, ठीक है, हो गया। मंत्री महोदय ने योगी जी को सत्ता अवतार बता दिया, आपको दिक्कत हुई? बताइए तो। ठीक है, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं हुई? विकास भाई कुछ योगी जी को शिव का अवतार मान लेंगे? प्रदीप भाई, प्रदीप भाई, प्रदीप भाई, अरे भाई प्रदीप प्लीज, विकास भाई कुछ बोला जा रहे थे क्या? विकास भाई जी बोलिए। हाँ भैया जी बोलिए। अभी पवन भैया ने अपने वक्तव्य में बोला कि विकास मिश्रा जी को भी समझना चाहिए कि सबको यहाँ पे अधिकार है जी। तो पवन भैया आपने शायद मेरा पूरा स्टेटमेंट सुना नहीं होगा। मैंने किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं किया, ना किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध किया। सनातन धर्म, सनातन संस्कृति पे अगर कोई आक्षेप होता तो उस पर हमने बोला। देखिए क्या भैया, राम जी जो थे वैसा चरित्र किसी को भी कहना, और कोई भी अपने कह दे कि हम राम जैसे हैं, किसी कह दे हम राम जैसे, ये उचित नहीं है। वो कोई भी पार्टी हो, मैं सभी का विरोध करता हूँ। अच्छा। अभी प्रदीप तिवारी जी भी बोले कि विकास मिश्रा जी तब कहाँ थे, तो भैया उस समय भी मैंने विरोध किया था। कोई भी ऐसा करे मैं सदैव विरोध करूंगा। रही बात इसकी कि राम जी के पथ पे चलने वाला व्यक्ति कौन है, राम जी जैसा व्यक्ति कौन है, तो चंद लाइनें आपको बताता हूँ। जो मेरा मानना है कि ढाल में ढले समय की शस्त्र से ढले सदा, ढाल में ढले समय की शस्त्र से ढले सदा, सूर्य थे मगर वो सरल, दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं की, स्वर्ण से गले सदा, और राम ऐसा पथ थे जिसपे राम ही चले सदा। कोई ऐसा व्यक्ति तो हुआ ही नहीं जो राम जी के जैसा हो सका हो, वो केवल राम जी थे। और मैं सिर्फ और सिर्फ इसी बात का विरोध कर रहा हूँ कि रामचंद्र जी से राहुल गांधी का विरोध करना, राहुल गांधी को समकक्ष बता देना, या भरत जी जैसे अपने को सलमान खुर्शीद जी ने बताया, वो चीजें गलत है। बाकी आप राजनीति करो, राजनीति करें, धर्म से अलग है। और रही बात इसकी कि हम ये मानते हैं कि रामचंद्र जी को माने वही देश में रहे, ऐसा कुछ भी नहीं। सभी भारतीय सबसे पहले भारतीय देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं सनातनी है तो सनातनी के बारे में बोलेंगे, सनातन के बारे में बोलेंगे, लेकिन अगर कुछ गलत हो बिल्कुल बोलेंगे भाई ये गलत है। मैंने उसमें कहीं पे किसी का विरोध नहीं किया था, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि राजनीति से धर्म को अलग रखते हैं।
धर्म अलग है और राजनीति अलग। जैसा प्रदीप भैया भी बोल भी रहे थे कि सभी को यहाँ पे अल्लाह मानने वाला भी रहना चाहिए, गुरु नानक जी को मानने वाला भी रहना चाहिए, मैं खुद ही मानता हूँ, वो सब भारतीय है जी। तो उसको राजनीति में किसी धर्म को लाने की जरूरत नहीं ना भाई। तो मैं भी आपसे कह रहा हूँ राजनीति से धर्म को अलग रखिए और राजनीति करिए, अपनी राजनीति करिए तो भारतवासियों के तौर पर करिए, भारत के तौर पर करिए। तभी मैंने आपको शुरुआत में कहा भी था, उदाहरण देना था तो गांधी जी का देते, राष्ट्रपिता बापू हैं उनका उदाहरण देते, उन्होंने भारत जोड़ने का कितना उत्तम प्रयास किया, कितना उत्तम तरीके से जोड़ा था। दांडी यात्रा उठा लीजिए आप, असहयोग आंदोलन उठा लीजिए, सभी भारतीय एक होकर के एकजुट होने के छत के नीचे उन्होंने सबसे संघर्ष किया था उनके नेतृत्व में, आप उनका उदाहरण उठाते। वो तो भारत की बात होती है, राजनीति की बात भी समझ में आती कि आप देश के लिए बात कर रहे हैं, देशवासियों के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी की तुलना रामचंद्र जी से कर रहे हैं तो आप खुद ही धर्म को इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, आप खुद ही दो बांटने प्रयास कर रहे हैं, तो ये खुद भी तो समझिए। प्रदीप क्या कहोगे? देखिए विकास जी जो कह रहे हैं कि उनकी तुलना, देखिए उन्होंने किस परिपेक्ष में कहा उत्तर प्रदेश को लेकर के थी कि राहुल गांधी जी यहाँ नहीं पहुंचे, फिर भी आप लोग यात्राएं कर रहे हैं, अभी आएंगे 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश नाम आते ऐसी भावना क्यों जागृत हो जाती है? आप तो सुन लीजिए पूरी मेरी, मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश को लेकर के ये सवाल था कि उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी अभी नहीं पहुंचे हैं, फिर भी आप लोग यात्राएं स्टार्ट कर दिए हैं, प्रदेश नेतृत्व ने स्टार्ट कर दिया यात्राएं। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने उस संदर्भ में तुलना करी कि तुलना क्या करी कि उन्होंने कहा कि राम जी अगर नहीं पहुंचे थे तो भारत जी उसको चला रहे थे उस राजपाट को, तो वैसे ही अगर राहुल गांधी जी यहां नहीं पहुंच पाए हैं तो यात्राएं हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर दूसरी जगह पे दूसरे राज्यों में जहां पे राहुल गांधी जी पहुंच चुके हैं वहां के लोग परेशान थे उनकी चीजों को लेकर के राहुल गांधी जी उतरे हुए हैं, बेरोजगारों को, महंगाई को लेकर के, या जिस तरीके से लगातार डे बाय डे इंक्रीज हो रही है आप देखे महंगाई, तो उसको लेकर के अगर राहुल गांधी जी उतरे हैं, उत्तर प्रदेश में अभी नहीं पहुंचे हैं तो उत्तर प्रदेश में भी ये चीजें हैं, उत्तर प्रदेश में भी महंगाई बढ़ रही, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो प्रदेश नेतृत्व उस चीज को कर रहा है, फॉलो अप कर रहा है, तो इस चीज को लेकर के उन्होंने कहा। अब उसको घुमा फिरा करके राम जी बना दिया है या मोदी जी को शिव जी बना दिया है, तो ये चीजों के कांग्रेस पार्टी इन चीजों में चर्चा भी नहीं करती है और इस चीजों पर विश्वास भी नहीं करती है। देखिये जो ये जरूर है कि राम जैसा बनना संभव नहीं है, मगर अगर उनके पद चिन्हों पे कोई चलना चाह रहा है तो उसको कोई रोक भी नहीं सकता है। अगर कोई किसी को भी आदर्श इस देश में कोई किसी को भी आदर्श मान सकता है, पद चिन्हों पे चलिए राम नहीं कह सकते, नहीं राम मैं वही कह रहा हूँ, मैं राम नहीं कह रहा हूँ, मैं इनके नेताओं के तरीके से राम नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे चलना अधिकार है हमारा। खुर्शीद जी ने पर ये नहीं कहा है, आप कह रहे हैं खुर्शीद जी ने नहीं कहा है, खुर्शीद जी ने नहीं कहा है, उनसे पूछिएगा जो राम। मैं फिर आपसे वही कहूंगा कि राजस्थान के विधायक ने क्या कहा था, उत्तर प्रदेश की मंत्री महोदया ने क्या कहा था, आपके ये जय भगत गोयल जी ने किताब में क्या कहा है, आपके खुर्शीद ने किताब में क्या कहा, आप बता दीजिए ना, जय भगवान गोयल बता तो दीजिए ना, हिंदू तो आतंकी है, चल रही है वो, तो ये कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा कब से चल रही है, 7 सितंबर से, 110 दिन करीब हो गया है 7 सितंबर। ये राहुल जी की एक बहुत अच्छी आदत है जी, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये सारा काम जा करके एक वीडियो आई, उसको देखा आप लोग? हाँ, मैं वीडियो देखा, वीडियो देखा मैंने, देखा। उस वीडियो में नशे की हालत में दिखाई पड़ रहे हैं, यहाँ तक सही है, सिस्टम नहीं कर रहे हैं जी, ये सारा काम बना जो काम किए रहते हैं एक ही काम है। देखिए इससे पहले भी वीडियो बहुत वायरल किए गए, राहुल गांधी जी को एक सदन में दिखा दिया गया, बहुत कोशिश की गई कि लोग दिखा दें, सदन में दिखा दें कि हाँ वो मदिरा पान कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आंखों से तीर चलाने वाला वो भी देखा होगा आपने, सब देखा, गले सीखने का, गले लगने की व्यवस्था, ये राहुल जी को सीखने की आवश्यकता बहुत, अभी वो अनभिज्ञ खिलाड़ी है, उसको माइंड मत करिएगा प्रवक्ता महोदय, लेकिन ये है कि आप पद चिन्हों पे चल सकते हैं। सलमान खुर्शीद जी जिन्होंने इस बात को रखा, वो क्या श्री मद भगवत गीता या श्री रामचरित मानस या रामायण क्या उन्होंने पढ़ा नहीं पढ़ा, हो सकता है पढ़े हो ना पढ़े हो, वो अपना देते अपने धर्म की बात अपने रखते तो ज्यादा सही रहता, क्योंकि धार्मिक जो चीजें हैं उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, वो अपने कुरान की बात करते हैं कि हाँ कुरान में कौन है क्या है हम तो जानते ही नहीं है, उनकी बात हम नहीं रखेंगे, लेकिन जो जिसने दूसरे धर्म के लोग हैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लोगों को बचना चाहिए। कोई भी हमारे आदि टिप्पणी नहीं करी गई है, मैं फिर से क्लियर करना चाहता हूँ, कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की गई है जिससे किसी भी धर्म को उनको राम बताया गया, श्री राम बताया गया, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि उसमें क्लियर होने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश को लेकर के वो सवाल था और उस परिपेक्ष में वो चीज कही गई। अब उसको अगर कोई समझना नहीं चाह रहा है, उस पर राजनीति करना चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि इस देश से बेरोजगारी के मुद्दे गायब हो जाए, इस देश से महंगाई के मुद्दे गायब हो जाए, लोग महंगाई पे सवाल ना करें, बेरोजगारी पे सवाल ना करें, महिला सुरक्षा को लेकर के सवाल ना करें, तो इस तरीके की चीजें लाई जाएंगी, आज चर्चा होनी चाहिए कि देश में
क्यों नहीं सिलेंडर आज 400 या 500 में बिक रहा है, बताना चाहिए, इस चीज पे चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं रोजगार मिल रहा है? आप हैं, आप मुख्य विपक्ष की भूमिका में हैं, आप सड़क पे क्यों नहीं आ रहे? कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पे क्यों नहीं आ रहा है? कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पे है, सीबीआई से डर लग रहा है। कांग्रेस पार्टी को सीबीआई ना ईडी किसी से डर नहीं लगता। कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रही है, वो चाहे सीबीआई हो या ईडी हो। हमें ना सीबीआई का डर है ना ईडी का डर है। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मुझे याद है, स्मृति ईरानी जी सड़क पे बैठी थी, कहां गायब है भाई जी? कांग्रेस कहां गायब है? अगर बीजेपी मान लीजिए रोजगार नहीं दे रही, महंगाई कम नहीं कर पा रही है, तो उसमें कांग्रेस की कमी है जी। जनता जी। दो लोगों को कमी कांग्रेस की ये है कि अगर बेरोजगार उस समय आता था तो हम उसको डंडों से पिटवाते नहीं थे, छात्रावास में घुस घुस कर निकाल निकाल के आदेश नहीं देते थे कि बेरोजगार छात्रों को डंडों से पीटो, ये नहीं करते थे। आज की डेट में यह जरूर हो रहा है कि अगर बेरोजगार सड़कों पे उतर रहा है, उसको डंडों से पिटा जाता है, विरोध करने के विरोध करने नहीं दिया जाता। प्रदीप जी सुनिए, प्रदीप जी देखिए, आप पिटने की हिम्मत डालिए ना, आप पिटिए, जनता देख रही है, कांग्रेस जनता जवाब देगी, कांग्रेस जनता जवाब देगी, न सीबीआई से डरती है, न सड़कों पे प्रशासन के द्वारा पिटने से डरती है, आप पिटिए ना, जनता देख रही है, जनता देख रही है, जनता देख रही है, सड़क पे आइए। अगर इनको जनता से या फिर पिटने से या सीबीआई से डर नहीं लगता, तो फिर जिस टाइम सीबीआई के साथ में बैठे हुए थे राहुल गांधी जी, इनकी माता जी, तो फिर पूरी कांग्रेस को उतार क्यों दिया गया था? अच्छा। सड़क पर क्यों उतर आए थे सारे लोग? दंगों पर क्यों आ गए थे? अच्छा। तो चैन से बैठ नहीं पाए अगर डर नहीं लगता तो? ईडी और उसकी जांच में, बिल्कुल गलत तरीके से अगर आप लगातार परेशान करेंगे, अगर आप गलत तरीके से परेशान करने का काम करेंगे हमारे नेता को, तो जाहिर सी बात है हम उसके समर्थक हैं, उसके समर्थन में उतरेंगे सड़कों पे। अगर आप गलत तरीके से परेशान करेंगे, लगातार आपने किसी को डेली रूटीन बेस पे आपने देखा होगा, रोज के रोज परेशान किया जा रहा था। आपकी बात कर लूंगा मैं। प्रदीप जी ये बताइए, आम आदमी पार्टी पे जी जो मंत्री और विधायक हैं उनके ऊपर भी पड़ा, मनीष सिसोदिया के ऊपर भी पड़ा, उनको कहीं नहीं डर लगा? ये तो डर कांग्रेस को कहां लग रहा है? तिनका नहीं, कांग्रेस को कौन सा डर लग रहा है? चोर की दाढ़ी में तिनका। आप सड़क पे आइए, आप सड़क पे आइए, और किसी को कहां से डर लग गया? कांग्रेस को कहां से डर लग गया? कहां से डर लग गया? बेरोजगारी और रोजगार देखिए, अरे भाई आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं आप, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, तो ये बताइए आपने कैसे तुलना कर ली कि कांग्रेस को डर लग गया और आम आदमी पार्टी को डर नहीं? कह रहे हैं ना, आपने खुद कहा सीबीआई के डर लग गया, कहां आपने खुद कहा? अरे मैं खुद से आ गया, अरे नहीं कभी भी नहीं कहा, नहीं कभी नहीं कहा किसी सीबीआई ईडी से, मैंने लगातार कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी खुद पे आ गए। नहीं 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 बिल्कुल भी नहीं, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी कभी बैकफुट पे नहीं गई। हम लोग सड़कों पे हैं, हम लोग सड़कों पे हैं, जनता का पूरा प्यार मिलेगा, जनता का प्यार तो हमारे नेता को मिल रहा है, इसी से कांग्रेस पार्टी कहाँ मिल रहा है? अरे कम हो गए नहीं, आप देखे तो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़े, मैनपुरी में चुनाव नहीं लड़े, कहाँ है? तो ये हिम्मत हिमाचल की बात बोल देते आप, हिमाचल की बात भी बोल देते, हिमाचल की भी बहुत बोल देते, हम बोल देंगे हिमाचल की बोल देते। आप मिल करके, आप मिल करके किसी का विरोध करेंगे, जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी को गिराओ, सब मिलके गिराओ, सब मिलके विचार मिले ना मिले पार्टी मिला लो, वो नहीं जनता पसंद करेगी, ध्यान में रखिएगा। ये जनता राहुल अभी फिर बसपा के साथ मिलने जा रहे हैं, ये जनता मेरी शुभकामनाएं, जनता है मेरी शुभकामनाएं, जनता है जो जनता ही। अगर फिर आप किसी को हराने के लिए सब एक साथ होंगे तो 60% जनता आपके साथ। अरे भाई बता दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी कितने पार्टियों के साथ में मिलकर चुनाव लड़ी 2014 का? बता दीजिए, छोटी बड़ी कितनी पार्टियों को लेकर के चुनाव मिली, वो कितनी पार्टियों को लेकर के चुनाव लड़ी, वहाँ बताइए ना। ये राजनीति में, गठबंधन ये अभी से नहीं हो रहा है, शायद आपको पता ही नहीं होगा फिर कि राजनीति में गठबंधन पहले थे या चुनाव के बाद में होते रहते हैं। अरे भाई भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी बता दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने 2014 भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में कितनी पार्टियों के साथ में गठबंधन किया बता दीजिए ना। अगर आप कह रहे हैं कि गठबंधन करने से नुकसान हो जाएगा, गठबंधन करने से विरोध नहीं करना चाहिए, 2014 में जब सत्ता में आए, जनता सुन रही है, मैं सुन रहा हूँ, आप कह रहे हैं
हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, मुझे ज्ञान नहीं है। आप ये बताइए श्रीमान जी कि भारतीय राजनीति में पहला गठबंधन, राजनीतिक गठबंधन कब हुआ? ये बता दीजिए, जैसे आपने अभी बताया, मुझे बता दीजिए। आप ही ने कहा ना कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का इतनी पार्टियों के साथ में मिलकर विरोध कर रही है, इसलिए नहीं कभी हरा पाएगी। बताइए ना, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो कितनी पार्टियों के साथ में गठबंधन करके कांग्रेस को हराया था, बता दीजिए। ठीक है, ये बताइए राहुल गांधी जी। ठीक है, हो गया। राहुल गांधी जी अखिलेश के साथ मिले, हरा पाए। पवन जी, विवेक जी काफी देर से सुन रहे हैं आप भाई। आपने जो शुरुआत में अच्छी राय रखी थी, और अब क्या कहना है आपका जी? देखिए, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से सारे तर्क वितर्क सुन लिए। आदरणीय मेरे पत्रकार बड़े भाई साहब भी बैठे हुए हैं, उनको भी विशेष प्रणाम करूं। आज मैंने उनको भी सुना, सनातन धर्म के लोग बैठे हैं, उनको सुना, प्रवक्ता बैठे ही हैं दोनों। सबसे बड़ी बात तो ये है, पूरे विषय का विषयांतर हो गया, लेकिन सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि जिस श्रीराम को लेकर के, जिसके सम्मान को, जिसके सनातन धर्म या नियमों को लेकर के इतनी बातें हो रही हैं, मैं सिर्फ एक लाइन में पूछना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने संसद में ये क्यों कह दिया, वर्तमान केंद्र सरकार ने, कि राम सेतु के होने के अब तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं? अच्छा, क्योंकि यही बात जब पूर्ववर्ती सरकार ने कही थी तो कई सनातन संगठन, कई लोग आंदोलन करने पे आ गए थे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल गया था। आज किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, तो ये भी बड़ा चंबित विषय है। और भाजपा जिस तरीके से तर्क प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही है एजेंडा लेकर के, अगर पूर्ववर्ती बातों पे अगर जाएंगे तो भाजपा को तो आप राष्ट्रवादी भी नहीं मान सकते हैं। हाँ, कांग्रेस कहीं ना कहीं, मैं मानता हूं कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी नीतियों को जनता तक ले जाने में जो असमर्थ हो रही थी, ये अच्छी बात है कि आज राहुल जी ने स्वयं को जो कि नहीं साबित किया, स्वयं को ये साबित कर दिया कि वो कम से कम जनता के बीच में रह करके जनता की भावनाओं से जुड़ने योग्य है। ये बात भी अपने आप में एक ऐतिहासिक परिपेक्ष में जाती है। और मैं मानता हूं कहीं ना कहीं केंद्र की अगर बात करें, सरकार बने ना बने, लेकिन एक योग्यता उन्होंने अपनी साबित कर दी। अब जो भाजपा के नेता उनके प्रति जो भी शब्दों का इस्तेमाल करते थे, मुझे लगता है कम से कम उनको वो शब्द इस्तेमाल करने के पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि उन्होंने सबको मिथ्या साबित कर दिया। उससे बड़ी बात, हमारे पत्रकार महोदय ने एक बात बिल्कुल सही कही। जो धर्म की बात हो रही थी, जिस जब जातियों की बात हो जाती है, धर्म की बात होती है, सनातन की बात, आज जो हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया है निकाय चुनावों को लेके गौरव भाई, उसमें ऐसी कई जातियां हैं जिनका कहीं ना कहीं प्रमाण रामचरितमानस से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने श्रीराम की सेवा की उस समय। आज उनके साथ जिस तरीके का बर्ताव इस सरकार द्वारा पैरवी ना करते हुए किया जा रहा है, वही तरीके से देखा जाए तो सरकार की जिम्मेदारी है। अभी ये सवाल उठा था कि सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए भी विपक्ष विरोध करे, अरे भाई ये संवैधानिक जिम्मेदारी है। एजी, डबल एजी, सीजी, ये लोग क्यों अपॉइंट किए जाते हैं? अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि जहां सरकार को लाभ लेना होता है वहां पैरवी ढीली हो जाती है, वहां पैरवी नहीं हो रही है तरीके से देखा जाए। और अगर इस तरह की परंपरा आप चलाएंगे तो यकीन मानिए ये परंपरा कल आपको भी झेलनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि द्वेषपूर्ण राजनीति ना करते हुए, विभेद हो सकता है, मतभेद नहीं रखना चाहिए। आप विपक्ष को भी सम्मान दीजिए। आप किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं कि वो देशभक्त है, वो सनातनी है। अच्छा। भाई आप अपने आंतरिक उसमें झांक लीजिए ना। मैंने एक रिजवी साहब का मसला उठाया, उनको तो आप ही लोगों ने बड़े डिंगे हाथ हाक करके हिंदू का वो बताया, बाद में कुछ दिनों बाद उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान कर दिया। किसी भाजपाई की आवाज नहीं। अच्छा। 2 दिन पहले आपको डिबेट याद होगा गौरव भाई, आप ही के मंच पे जहां जी आदरणीय भाजपा की प्रवक्ता बैठी है, भाजपा का ही प्रवक्ता बैठ करके किस तरह हनुमान जी को संबोधित कर रहा था, किस तरह के शब्दों से, और आपत्ति मैंने दर्ज कराई थी। तो आप प्रमाण नहीं दे सकते, आप किसी को सर्टिफिकेट मत बांटिए। आप ये मत सिद्ध करिए कि सनातनी केवल वो है जो भगवा रंग पहन करके भाजपा के झंडे के नीचे माफ कीजिएगा। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि सनातनी कौन है, सनातनी कौन नहीं है, लेकिन हाँ जनता जरूर कहती है कि जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले हैं वो कितना। राम सेतु को तो झुठला दिया आपने, आपने आपके नेता ने कहा है राम सेतु के प्रमाण नहीं है, भाजपा कह रही है, तो आप तो झूठे साबित हो गए ना। अब तो ये साबित हो गया कि राम के नाम पे केवल वोट मांगते हैं आप। क्या होते हैं राम सेतु के बारे में सदन में कहा है आपके नेता ने? आप बस केवल दो ही चीजें कर सकते हैं, वो है गुंडागर्दी और नहीं नहीं आप मुद्दे पे बात करिए। समय दीजिएगा, इनके पृथ्वी विज्ञान मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने जो राज्यसभा में कहा है उस पर इनका स्टैंड लेना चाहूंगा, उस पर ये क्या कहती है मैं जानना चाहूंगा। राम सेतु को झुठलाने वाली पार्टी श्री राम के नाम पे वोट मांगती है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? सबसे बड़ी बात इस देश की जनता देख रही है। उसी राम सेतु के नाम पे बताइए, राम सेतु के प्रमाण नहीं मिले इनको। ये वो लोग हैं जो उस समय कितनी आलोचना कर रहे थे। अरे जाइए कंचन जी, ये सब छोड़ दीजिए। जिनका अध्यक्ष कहता हो कि भगवान केवल दो टीका लगा दो, पेपर में
है तो आप कितना रिस्पेक्ट करेंगे, वो छोड़ दीजिए। राम सेतु पे आपके मंत्री का बयान नहीं है, आप छोड़ दीजिए, वो सब छोड़िए। राम सेतु पे बताइए, आप सूट नहीं करते हैं, आप राम सेतु पे बताइए आपके मंत्री का जवाब है। राम को रहने दीजिए, जो गोलियां चलाने वाले हैं उसको उसको राम के लिए। अरे क्यों, आप ठेकेदार है क्या? आप रामचरित मानस के ठेकेदार है क्या? आप वाल्मीकि रामायण के ठेकेदार है क्या? आप कितना डिफेंड करेंगे? आप क्या करके बोल सकते हैं, वरना राजनीति करते रहिए, जनता आपको सुनेगी नहीं। वो आप करते हैं, आपने झुटला दिया राजनीति को, आपके मंत्री ने सदन में बयान दिया। ये धर्म समझते ही नहीं, जिसका अध्यक्ष नहीं समझता, आप क्या समझेंगे धर्म को? आप व्यक्तिगत मत होइएगा, हो गया भाई, हो गया भाई, हम मर्यादित रहिए। पवन जी से आगे कमेंट लेते, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। पवन जी, जिस देश में राजनीतिक दल में रह करके, केंद्र में सत्ता में रह करके हिंदू धर्म गुरुओं के नाम पे केवल वोट मांगते हैं और धर्म गुरुओं का अपमान करते हैं, आचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के मृत्यु पे एक दिन का शोक नहीं कर पाए, वो बताएंगे की बात करेंगे। दो दो पीठों के महान जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन खड़ा किया वो बात करेंगे, उनके उनके मृत्यु में आवाज ना निकली, कुछ भी बोलेंगे आप, धर्म की बात सिखाएंगे कुछ भी। आप धर्म जानते ही नहीं, आप सीखेंगे कहां से? अरे आप छोड़ दीजिए, आप जैसे बहुत आते हैं भाजपा के, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, सर्टिफिकेट नहीं बांटिए, आप वही आ गई घूम करके सर्टिफिकेट छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आप महिला है, छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए राम को। फाइनल कमेंट लेते, पवन जी क्या कहना चाहेंगे? बोलिए बोले गौरव जी, दिलीप जी हमारे बहुत सीनियर पर्सन है जी, लेकिन आज कुछ झुलझुलाहट है, नहीं होना चाहिए। अच्छा, और सामने अगर विवेक जी हमारे बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे प्रवक्ता हैं जी, वक्ता अच्छे हैं जी, महिला सामने अगर बैठी हो तो कम से कम संयमित होना चाहिए जी। बिल्कुल, हम संयमित होकर ही बात की, भैया मैंने कोई भी इनके लिए अपशब्द का प्रयोग नहीं किया, जिस तरह सर्टिफिकेट नहीं, नहीं, वो शब्द आपके थे, हम सब नहीं, नहीं, वो तो गुंडागर्दी आती है ना, आप भैया दोबारा सुन लीजिएगा, अगर कोई शब्द आपको लगे थोड़ा बहुत चला जाना चाहिए ना, कोई नहीं, कोई नहीं, सुनिए सुनिए, ये जनता तय करती है कौन राम भक्त है कौन नहीं है। अगर जनता ने भाजपा को चुना है, ये राम भक्त हैं, दोबारा चुना है योगी जी को, क्यों चुना भाई? कुछ तो कारण होगा, कुछ कारण होगा जी। आज नहीं तो ये बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की पार्टी करें, यही नेतागढ़ कहां जाते थे? मजारों में जाते थे, टोपी पहनते थे, क्या करते थे? जबकि गैर की बात हम कर रहे हैं, मुस्लिम जाए तो अलग बात हो गया, जो धर्म से नहीं है ये लोग जाते थे, क्या मैं सब जाता था? ये 10 साल पहले की बात है। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग भी मंदिर जाने लगे हैं, अपने आप को गर्व होने लगा कि हम भी हिंदू हैं, हम भी राम भक्त हैं, हम भी पद चिन्हों पर चलना चाह रहे हैं, तो इस पे कहीं ना कहीं योगदान आदित्यनाथ योगी जी का या नरेंद्र मोदी जी का है, इसको मानना पड़ेगा, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये विवश कर दिए हैं कि हिंदुत्व के लोगों को राजनीति करनी पड़ेगी, उनको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को बीजेपी सर्टिफिकेट देगी, ये नहीं है, लेकिन ये सच्चाई, इस सच्चाई को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज भारतीय जनता पार्टी ने सबको, सभी जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको मजबूर कर दिया है मंदिरों पे जाके माथा टेकने के लिए। ठीक हो गया, आप सभी के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण था कि यहाँ पर पद चिन्हों की बात की जा रही थी, यहाँ पादुकों की बात की जा रही थी, और राहुल गांधी को यहाँ पर राम से तुलना की जा रही थी। खैर, चर्चाएं होती रहती है, भारतीय राजनीति की व्यवस्था ही ऐसी हो चुकी है कि अब राजनीति भारतीय राजनीति में केवल ट्वीट पे होती है, डिबेट पे होती है, सोशल मीडिया पे होती है, पर अगर राजनीति वास्तव में होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पवन जी बताए हैं कि वो राजनीति होनी चाहिए संघर्ष, रोड पर, सड़कों पर, जनाधार के लिए, व्यवस्था के लिए और बदलाव के लिए। अगर केवल संघर्ष डिबेट के माध्यम से, ट्वीट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से होगा तो व्यवस्थाएं वही चलती रहेगी, चाहे आप कितनी भी यात्रा करते रहें। अगर वास्तव में बदलाव करना है, जनाधार पाना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी सड़कों पर, ना कि इस तरह बयानबाजी पर। बयान चलते रहेंगे, कहा जाता ना, जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, और जो बीत जो तीर कमान से निकल गई उस तीर का पीछा कौन करे। तो जो तीर कमान से निकल चुकी है उसका पीछा नहीं करते हैं, संघर्ष करिए, बदलाव करिए, नहीं तो ये परंपरा फिलहाल चल रही है वही चलती रहेगी।
संघर्ष करती रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।